अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी के डेब्यू मैच में शतक जड़कर मचाया हाहाकार। 34 साल बाद अर्जुन तेंदुलकर ने दोहराया पिता सचिन का रिकॉर्ड। शतक जड़ने के बाद पिता की तरह ही जश्न मनाते दिखे अर्जुन तेंदुलकर। विश्व क्रिकेट में सबसे बड़े नाम सचिन तेंदुलकर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भी क्रिकेट दुनिया में धमाल मचाना शुरू कर दिया। हमेशा ही अपने पिता के रुतबे और रिकॉर्ड्स के तले दबे रहने वाले इस युवा खिलाड़ी ने अपने दम पर एक ऐसा कीर्तिमान हासिल कर दिया जो उसको अपने पिता की बराबरी पर एक मुकाम पर ले आया है। दरअसल अर्जुन ने रणजी ट्रॉफी में अपने डेब्यू पर ही सैकड़ा जड़ दिया। वहीं इस मुकाम पर पहुंचने के बाद उनके द्वारा मनाया गया जश्न हर क्रिकेट दीवाने का दिल जीत रहा है। अर्जुन तेंदुलकर ने साल 2022 में घरेलू क्रिकेट में कहर बरपाया। हाल ही में उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में घातक गेंदबाजी करते हुए देखा गया था। इस टूर्नामेंट में उन्हें बल्लेबाजी का ज्यादा मौका तो नहीं मिला, लेकिन रणजी ट्रॉफी 2022-23 में पहले मुकाबले में ही राजस्थान के खिलाफ उनको मुश्किल परिस्थिति में क्रीज पर उतारना पड़ा। दूसरे दिन के खेल के अंत तक उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए थे, लेकिन 14 दिसंबर को तीसरे दिन अर्जुन ने अपनी पारी को भुनाते हुए 16 चौके और 2 छक्के जड़ते हुए 207 गेंदों में 120 रनों की शानदार पारी खेली। दिलचस्प बात यह है कि वे अपने पिता की तरह ही उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू में शतक जड़ दिया, जिसके चलते उनकी यह पारी और भी ज्यादा यादगार हो गई। अर्जुन तेंदुलकर की पारी की तरह ही उनके शतक के बाद जश्न मनाने का तरीका भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सिंगल के साथ सैकड़े तक पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अपना हेलमेट निकाला और फिर बल्ले को हवा में लहराने लगे। इस दौरान उन्होंने एक नज़र आसमान की ओर भी देखा, ठीक इसी तरह जिस तरह उनके पिता भी शतक जड़ने के बाद देखा करते थे। वहीं इस जश्न की सबसे आकर्षित बात ये रही कि अर्जुन ने अपने साथी खिलाड़ियों की ओर देखकर अपना सिर झुकाकर उनको सलाम किया। इससे पहले राजस्थान के कप्तान अशोक मैनारिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उनकी इस पारी के दम पर गोवा की टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। फिलहाल टीम 400 से ज्यादा रन बना चुकी है। अर्जुन और सुयश प्रभुदेसाई के बीच छठे विकेट के लिए 200 से भी ज्यादा रन की साझेदारी हो चुकी है। 34 साल बाद दोहराया गया सचिन का रिकॉर्ड। अर्जुन तेंदुलकर ने अपने पिता सचिन तेंदुलकर की तरह ही अपने रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में ही शतक जड़ दिया है। आज से ठीक 34 साल पहले दिसंबर 1988 में सचिन तेंदुलकर ने भी अपने रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में शतक जड़ा था। तो वाकई अर्जुन तेंदुलकर भी रणजी में अपने पिता के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। अब देखना होगा कि वो कैसा खेल दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।